आलमी वबा के तेजी से फैलते असरात, ईरानी सदर हसन रूहानी ने वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कोविड-19 पर तफसीली बातचीत की गई। इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में तआवुन पर बिल गेट्स फाउंडेशन और दीगर आलमी पार्टनर्स को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान से ईरान के सदर हसन रूहानी ने टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात और उसके खात्मे के लिए उठाए गए इकदामात पर बातचीत की। पाकिस्तान और ईरान के इलाकों में टिड्डी दल के मामले पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर ईरानी सदर ने इमरान खान को रमजान मुबारक की मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इस बातचीत में दुनिया भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल और उसके असरात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स फाउंडेशन और आलमी पार्टनर्स की जानिब से मदद को सराहा और कहा कि पाकिस्तान कोरोना वबा से निपटने के लिए मुश्तरका कावज़ पर मबनी इकदाम कर रहा है। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान कोरोना बीमारी के साथ गरीब तबके पर भी इसके असरात का भी मुकाबला कर रहा है। इस सिलसिले में मुस्तहकीन की मदद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 8 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। इन हुकूमती इकदाम की बदौलत कोरोना वायरस के फैलाव रोकने में मदद मिलेगी।